नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, आपको बता दें कि लद्दाख की तरह ही दक्षिणी चीन सागर में ड्रैगन को पछाड़ने की तैयारी में कई देश आए एक साथ और चीन को अब कहीं ना कहीं मुंहतोड़ जवाब देने की रणनीति बन चुकी है। तो वहीं अगली बड़ी खबर जानेंगे, लद्दाख में पिटे चीन रो रहा है, अलाप रहा है तिब्बत का राग, बोले भारतीय एक्शन के पीछे बताई अमेरिकी साजिश। जी हाँ, इसके साथ ही जानेंगे अगली बड़ी अपडेट, बंगाल की खाड़ी में 4 से 5 सितंबर को इंद्र युद्धाभ्यास करने जा रहे हैं भारत और रूस। तो वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार देने जा रहे हैं भाषण, वर्चुअल रैली होगी कोरोना के चलते। और इस बीच भारत के कब्जे में पूरी तरीके से प्योंगयांग झील को भारतीय सेना ने लिया अपने कब्जे में, चीनी जवानों को खदेड़ा, पूरे इलाके को खाली करा दिया है। तो सब कुछ खबरें जानेंगे एक एक करके। जहां पर औरंगाबाद में AIMIM सांसद हिरासत में लिए गए, नमाज पढ़ रहे थे खुलेआम, वहीं बड़ी अपडेट है चुनाव में जीतन राम मांझी की NDA में हुई एंट्री, ये भी बताएंगे। तो वहीं बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल आ जाएं BJP में, रामदास अठावले का बड़ा बयान आया है। तो सब कुछ खबरें जानने के लिए, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये देश COVID-19 के साथ साथ देश के दुश्मनों को भी मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरीके से सक्षम है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दीजिए। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर, भारत के कब्जे में प्योंगयांग झील का दक्षिणी तट पूरी तरीके से आ चुका है, भारतीय जवानों ने चीनी सेना को खदेड़ते हुए पूरे इलाके को फिलहाल खाली करा दिया है। भारत और चीन की सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख में LAC पर 29 अगस्त को रात झड़प के बाद तनाव कायम है। चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के साथ ही भारतीय सेना ने प्योंगयांग झील के दक्षिणी इलाकों को पूरी तरीके से चीनी सेना से मुक्त करा दिया है। इसके साथ ही प्योंगयांग झील क्षेत्र में तैनाती बढ़ा दी है। सेना से जुड़े सूत्रों के अनुसार अब दक्षिणी छोर वाला हिस्सा पूरी तरीके से भारतीय सेना के नियंत्रण में। वहीं चुसूल में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भी दोनों पक्षों में ब्रिगेड कमांडर स्तर की बैठक हुई है। सैन्य सूत्रों ने बताया है कि भारतीय सेना ने ऊंचे इलाकों में मोर्चा संभाल रखा है, चीनी सेना के हरकतों पर पैनी नज़र रखी जा रही है, दोनों देशों की तरफ से हथियारों की तैनाती भी की गई है। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही, बड़ा डेवलपमेंट, चीन की इस कब्जे वाले जगहों पर भारतीय सेना ने तिरंगा फहरा दिया है और आने वाले समय में कुछ बड़ा प्लान चल रहा है भारत का। हम चलते हैं अगली अपडेट, इसके साथ ही लद्दाख में LAC के साथ साथ अब ड्रैगन को दक्षिणी चीन सागर में भी पछाड़ने की तैयारी शुरू, कई देश हुए लामबंद। दरअसल लद्दाख सीमा पर एक बार फिर से चीनी सैनिकों की भारतीय जवानों ने करारा जवाब दे दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि अब चीन को दक्षिणी चीन सागर में भी घेरने की पूरी तरीके से सरकार कार्रवाई तेज हो चुकी है। यही कारण है कि आपको बता दें कि इस इलाके में अब खास करके इंडियन आर्मी, जापान आर्मी और US नेवी, इसके साथ ही आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया नेवी को भी लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि यहाँ पर पहले से ही अमेरिका एक नया संगठन बनाने की बात कह चुका है और अब इस पर अमल भी लगभग शुरू हो चुका है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत को इसका समर्थन करना चाहिए, संगठन में जुड़ना चाहिए और चीन को चारों तरफ से घेरना चाहिए, जैसे कि चीन पूरी तरीके से कूटनीतिक चाल चलते हुए अपने पड़ोसी, खासकर भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल और तमाम बांग्लादेश को भी अब अपने कब्जे में कर रहा है, यानी अपने साथ मिला रहा है और वो कूटनीतिक चाल चल के भारत को झटका देना चाहता है। और अगर आप भी मानते हैं कि समुद्र में भी चीन को झटका देना चाहिए भारत को, तो लाइक करके कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। हम चलते हैं अगले अपडेट, लद्दाख में पीटे चीन रो रहा है, बोला तिब्बत राग अलापा, बोला भारतीय एक्शन के पीछे अमेरिकी साजिश है। लद्दाख सीमा के पास जारी तनाव के बीच चीन की ओर से लगातार बयानबाजी की जा रही है। बुधवार को चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से फिर इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें चीन ने आरोप लगाया है कि सीमा पर भारत ने ही समझौते को तोड़ा और LAC को पार कर इस ओर आ गया। आपको बता दें कि चीन के इस दावों को भारत पहले ही नकार चुका है। इसके अलावा चीन ने इस विवाद पर तिब्बत और अमेरिका के एंगल को भी सामने रखा है। बुधवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी विदेश मंत्रालय प्रवक्ता सुनजियांग ने कहा है कि शनिवार को जो भी आमना सामना हुआ है उसमें किसी भी भारतीय सेना के जवान की मौत नहीं हुई है। यह दावा किया गया है कि अमेरिकी मीडिया ने एक भारतीय जवान के मारे जाने की भी बात कही थी और इसी को देखते हुए चीन ने फिलहाल ये बातें स्पष्ट की है। इसके साथ ही चीन का एक रोना भी शुरू हो गया है। चीन का कहना है कि इस कार्रवाई के पीछे अमेरिका का हाथ है और अमेरिका ही भारत को उकसा रहा है ताकि चीन पर वो अटैक करे। अब इस तरीके की भी एलिगेशन चीन द्वारा लगाया जाने लगा है। हम चलते हैं अगले अपडेट, बंगाल की खाड़ी में 4 से 5 सितंबर को इंद्रा युद्धाभ्यास करेंगे भारत और रशिया। सीमा पर चीन से तनाव के बीच भारत और रूसी नौसेनाएं 4 से 5 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में युद्धाभ्यास करेंगी। युद्धाभ्यास मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए किया जा रहा है।
युद्धाभ्यास के दौरान सतह और हवा में तोपों से लक्ष्य पर निशाना लगाया जाएगा। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर से पहले भी कई जंगी जहाजों की तैनाती कर दी है। इसे इंद्र युद्ध अभ्यास के नाम दिया गया है। ये अभ्यास पहले रूस के व्लादिवोस्तोकों में होना था, मगर कोरोना महामारी के चलते इसे टाल दिया गया था और अब हम बंगाल में कराया जाएगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोरोना के चलते पहली बार वर्चुअल होगा सत्र। पीएम मोदी यूएनजीए यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोल सकते हैं। 26 सितंबर को मोदी का संबोधन हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का ये भाषण रिकॉर्डेड होगा, लाइव नहीं होगा। पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा की ये कोरोना के कारण वर्चुअल होगी। सीमा चीन विवाद और पाकिस्तान के साथ तनातनी के बीच प्रधानमंत्री मोदी के संयुक्त राष्ट्र में होने वाले इस भाषण पर सभी की निगाहें टिकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये भाषण 26 सितंबर को होगा। पीएम मोदी के भाषण से पहले 25 सितंबर को पाकिस्तान का संयुक्त राष्ट्र में भाषण होगा। इसमें प्रधानमंत्री को भी और महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री अपने भाषण में पाकिस्तान से की ओर से उठाए गए मुद्दों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जवाब दे सकते हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि औरंगाबाद में हिरासत में लिए गए नमाज अदा करने गए मस्जिद जा रहे AIMIM सांसद। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद इम्तियाज जलील को पुलिस ने बुधवार को हिरासत में ले लिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि सांसद जलील COVID-19 प्रतिबंधों को तोड़ते हुए मस्जिद में नमाज अदा करने गए थे। स्थानीय सांसद और पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने पिछले सप्ताह कहा था कि अगर राज्य सरकार सभी धार्मिक स्थलों को खोलने के में विफल रहती है तो मस्जिद में नमाज अदा करने जाएंगे। COVID-19 महामारी के चलते राज्य में सभी धार्मिक स्थलों के खुलने पर रोक है। अधिकारी ने बताया है कि जलील को तब तक हिरासत में लिया गया जब तक वो शाहगंज मस्जिद की ओर जा रहे थे। तो ये बड़ी अपडेट है महाराष्ट्र। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक लाने की मंजूरी। उर्दू, कश्मीरी, डोंगरी, हिंदी और अंग्रेजी होगी आधिकारिक भाषाएँ। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। संसद में जम्मू कश्मीर के लिए आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 लाने की मंजूरी दे दी गई है। इस विधेयक के मुताबिक उर्दू, कश्मीरी, डोंगरी, हिंदी और अंग्रेजी आधिकारिक भाषा होंगी। इसके अलावा सरकारी अधिकारियों के लिए कर्मयोगी योजना को भी मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने इस महत्वपूर्ण सुझाव में से एक बताया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 3 महत्वपूर्ण समझौते में भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। पहला जापान के साथ, वस्त्र मंत्रालय का खनन मंत्रालय का फिनलैंड के साथ और नवीन ऊर्जा मंत्रालय का डेनमार्क के साथ। जावड़ेकर ने ये भी बताया है कि सिविल सेवाओं में भर्ती होने के बाद विभिन्न कर्मचारियों के कार्य क्षमता और स्किल बनाने की कर्मयोगी योजना के नाम से लगातार चलाया जा रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल को तो फिलहाल BJP में शामिल हो जाना चाहिए, रामदास अठावले ने कहा है, जल्द ही होंगे। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी में बदलाव को लेकर लिखे गए पत्र को लेकर विवादों के बीच BJP के नेता और कैबिनेट मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस के 2 बड़े दिग्गज और वरिष्ठ नेताओं को BJP ज्वाइन करने की सलाह दे दी। अठावले का कहना है कि NDA में अब सालों तक राज करेगी, इसलिए कांग्रेस छोड़ दीजिए और BJP ज्वाइन कर लीजिए, रामदास अठावले का यह बयान। हम चलते हैं अगले अपडेट। बिना शर्त NDA में गए मांझी, बोले NDA का पार्टनर हूं लेकिन नीतीश को ज़्यादा ही पसंद है। पूर्व CM जीतन राम मांझी इस वक्त पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। महागठबंधन छोड़ने के आधिकारिक ऐलान के बाद मांझी ने कहा है कि उनकी पार्टी JDU के साथ जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि JDU में हम का विलय नहीं होगा, वे NDA में अलायंस के रूप में एक साथ काम करेंगे। उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया है, उनका कहना है कि वो NDA का पार्टनर जरूर हैं लेकिन नीतीश के साथ उनकी नज़दीकियाँ ज़्यादा हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी कोई शर्त नहीं है, सीट लेने को लेकर कोई बात नहीं हुई है, विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर बाद में बातचीत होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि अब हम नीतीश के सहयोगी के तौर पर काम करेंगे। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस का ऐलान WHO के जरिए वैक्सीन बनाने बांटने के वैश्विक प्रयासों से अलग रहेगा अमेरिका। दरअसल दुनिया के 170 से ज़्यादा देश COVID-19 ग्लोबल एक्सेस पर बातचीत कर रहे हैं। COVID-19 ग्लोबल एक्सेस फैसिलिटी का उद्देश्य सभी देशों को समान रूप से वैक्सीन उपलब्ध कराना होता है, लेकिन अमेरिका ने कोरोना वायरस वैक्सीन के विकास, निर्माण और समान रूप से वितरित करने के वैक्सीन प्रयासों में शामिल होने से इनकार कर दिया है। अमेरिका ने कहा है कि वैक्सीन के बनाने और समान रूप से बांटने के वैश्विक प्रयास में शामिल नहीं होगा।
क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन में इसमें शामिल है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जूड डीरे ने WHO को भ्रष्ट बताते हुए कहा है कि कोरोना से लड़ने में अमेरिका अपने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों की मदद करना जारी रखेगा, लेकिन इस भ्रष्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन और चीन से प्रभावित बहुप्रतीक्षीय संगठनों द्वारा विवश नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल वो WHO की गाइडलाइन को नहीं मानेगा। हम चलते हैं अगली अपडेट। IPL से बड़ी खबर, वापस UAE लौट सकते हैं सुरेश रैना। CSK के मालिक श्रीनिवासन को बताया पिता तुल्य। UAE में होने जा रहे IPL को छोड़कर सुरेश रैना अचानक स्वदेश लौट आए थे। होटल के कमरे को लेकर धोनी के साथ विवाद की खबरों के बीच चेन्नई सुपर किंग के मालिक रैना को लताड़ भी लगाई थी। अब पूरे किस्से के 4 दिन बाद टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। सुरेश रैना का कहना है कि वो फिर से UAE जाकर टीम के साथ जुड़ सकते हैं और IPL का 13वां सीजन खेल सकते हैं। आपको बता दें कि क्रिकेट वेबसाइट क्रिकबुज को दिए अपने इंटरव्यू में रैना ने कहा है कि उनके CSK टीम के मैनेजमेंट में किसी भी तरीके का कोई विवाद नहीं है। भारत लौटने का फैसला करना काफ़ी मुश्किल भरा था। आपको बता दें कि उनके परिवार में कुछ ऐसी एक खबरें हो गई थी जिस वजह से फिलहाल सुरेश रैना ने निर्णय लिया था, लेकिन इसको गलत तरीके से पेश किया गया। हम चलते हैं अगले अपडेट। सुशांत मामले में CBI को नहीं मिले हत्या के सुराग। आत्महत्या के लिए उकसाने को लेकर जाँच शुरू। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में CBI की जांच जारी है। CBI जांच का आज 12वां दिन है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि CBI को सुशांत की हत्या के सबूत नहीं मिले। अब आत्महत्या के लिए उकसाने को लेकर जांच शुरू हो गई। आपको बता दें कि सुशांत के परिजनों और शुभचिंतकों ने सुशांत की हत्या की आशंका जताई थी। आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों में CBI के सवालों का सामना कर रहे रिया चक्रवर्ती का अपने आज CBI में भी सामना नहीं हुआ और न ही उनके सौभिक भाई ने आए। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो के लिए उपराज्यपाल ने माना केजरीवाल का प्रस्ताव। अब 7 सितंबर से दौड़ेंगी मेट्रो। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में अब 7 सितंबर से मेट्रो चलेंगी। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंजूरी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बैठक में दी गई है। आज शाम का मेट्रो की गाइडलाइंस जारी हो सकती है। केंद्रीय शहरी मंत्री हरदीप पुरी मेट्रो सेवाएँ शुरू करने को लेकर गाइडलाइंस जारी करेंगे। फिलहाल मेट्रो स्टेशन के एंट्री पॉइंट सीमित होंगे और अधिकारियों ने कई नियम बना दिए हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि यूपी यूट्यूबर हीर खान के मददगारों पर भी कसे गंजा भेजे जाएंगे जेल। जी हाँ, आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक समुदाय विशेष हिंदुओं की माता सीता पर कथित तरीके से पूरी तरीके से अभद्र टिप्पणी के मामले में अब हीर खान पर शिकंजा तो कसे का ही, लेकिन इस बीच उनके साथियों दोस्तों और उनको बढ़ा चढ़ाने वाले पर भी शिकंजा कसे का। यूपी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हीर खान के मामले में जांच एजेंसियां पूरी तरीके से काम कर रही है और उनके मददगारों की भी तलाश की जा रही है। ऐसे लोग जो हीर खान को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली या फिर वीडियो बनाने में या फिर वीडियो को स्क्रिप्ट करने में लिखने में किसी भी तरीके की कोई भी मदद करते हैं तो उन पर शिकंजा कसने जा रहा है। हैदराबाद से 2 संदिग्धों को उठाया गया, एक मौलाना को भी उठाया गया। कानपुर से कई ऐसे मौलाना और लोगों को उठाया गया है जो इस पे पूछताछ के बीच कई बड़े खुलासे कर रहे हैं। इसलिए यूपी सरकार और एक्टिव मोड में आ गई है और इसमें पाकिस्तान और UAE का भी कनेक्शन जुड़ता दिखाई दे रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट। जेल से फिलहाल तो रिहा हो गए कफील खान। कहा, जुडिशरी का शुक्रगुजार हूँ, योगी सरकार का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एनकाउंटर में मरवाया नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद डॉक्टर कफील खान को मथुरा जेल से रिहा कर दिया गया है। इससे पहले कफील खान की रिहाई पर रस्सा कसी भी देखने को मिली। देर रात रिहाई को लेकर चला ड्रामा खत्म हुआ, लेकिन इस बीच उनको रिहा करने के बीच मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने NSA उन पर हटा दिया था और योगी सरकार को जल्द से जल्द रिहा करने की बात कही थी। और इसको देखते हुए कल फिलहाल 12 बजे रात को उनको रिहा कर दिया, जिसके बाद उन्होंने न्यायालय का धन्यवाद दिया। और इस बीच UP की STF का भी उन्होंने कहा शुक्रगुजार कहा कि कम से कम मुंबई से लाते वक्त एनकाउंटर में हमको ढेर नहीं किया गया है। सरीके से कफील खान के कहने। तो दोस्तों, बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।